नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो श्री लक्ष्मी नर्सरी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चीकू का ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो देख सकते हो चीकू का फ्रूट और पत्ता दोनों ही देख सकते हो। तो चीकू का आज हम लोग ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। एक ग्राफ्टिंग तो यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी, और इसी में हम ग्राफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि मदर प्लांट मेरे पास अवेलेबल नहीं है नर्सरी में। तो अभी यही ग्राफ्टेड प्लांट से ग्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ये छोटा सा चीकू का पौधा या घिरनी का भी पौधा चल सकता है। तो मेरे पास अभी चीकू का पौधा है, और इसमें तो घिरनी के पौधा से हुआ है ग्राफ्टिंग। आप चीकू के पौधे में भी ग्राफ्टिंग कर सकते हो, चीकू के से चीकू के पौधे में। तो ये बीजू मेरा चीकू है जो करीब करीब 1 ईयर का है, 1 साल का है ये प्लांट। तो इसको हम इस टहनी में ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, किस प्रकार ग्राफ्टिंग होता है इसको देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा ध्यान से, ताकि आप लोग को पता चलते रहे। ये मेरा 6-6 का पैकेट का है और ये 8-8 का पैकेट का है, पूरा देख सकते हो चीकू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये चीकू का पौधे का सारा पत्ता जो है वो तोड़ देंगे या काट देंगे। पूरा पत्ता काटने के बाद देख सकते हो पूरा पत्ता हमने काट दिया है, जहाँ मतलब जहाँ से ग्राफ्टिंग होगा वहाँ से। तो ये पूरा साफ कर दिया गया है देख सकते हो। और इसमें से जब तक मतलब ये दूध ना ख़त्म हो इसका, ये तब तक इसको छोड़ दीजिए, इधर ही रहते हैं। और आपके पास बड़ा भी पौधा होगा तो चल सकता है, अभी तो फिलहाल मैं छोटा पौधा ही लिए हैं। आप लोग के पास कोई भी बड़ा पेड़ हो सकता है, जैसे 10 फुट, 5 फुट, 6 फुट का पौधा कोई भी है, उसमें भी ग्राफ्ट हो सकता है। ये तो छोटा वाला पौधा वीडियो बनाने के लिए हमने लिया है नर्सरी में, अभी छोटा वाला पौधा मेरे पास अवेलेबल था। तो सबसे पहले इसका प्लाट कटा इसमें एक नाप करके, जैसे कि मेरा यहाँ पर रखने पर, जैसे यहाँ पर रखने पर मेरा पूरा था यहाँ पर से यहाँ तक। तो यहाँ पर एक चिन्ह मार देंगे और एक यहाँ पर चिन्ह, समझ जाकर चिन्ह मार करके सबसे पहले यहाँ से एक तिरछा, पूरा तिरछा करके 45 डिग्री का कट लगा देना है। कट लगने के बाद इसको यहाँ से 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से छेद देंगे, अच्छी तरह से शार्प ब्लेड से शेव करके। ये हमने ये कटर लिया है नटराज कंपनी का है ऑलरेडी। और यहाँ और ये प्लांट जो है ये वाला जो मदर प्लांट हमने सेलेक्ट किया है, इस पर पहले एक यहाँ पर हमको एक अंदर की ओर भी बना लेना है, 1 इंच जितना नाप के काटा है वैसे ही यहाँ पर एक भी बना देना है। भी बना करके भी टाइप का एक पतला बहुत रहना चाहिए थोड़ा सा। तो दोस्तों सबसे पहले इसको नाप लिया था हमने, यहाँ पर एक अच्छे जगह पर डाल करके इसमें का एक पत्ता डिस्टर्ब दे रहा है, विजुअलिटी कम आ रही है, इसको हटा दिए हैं। और इसको जैसा आप लोग को सुविधा हो जाए उसके अनुसार इसको इसमें डाल करके इसको रख करके पूरा अच्छी तरीके से, जैसे मेरा रखने में जैसे आप लोग को सुविधा हो जाए वैसे कर सकते हो। और एक ग्राफ्टिंग टेप लेंगे, ग्राफ्टिंग टेप के माध्यम से इसको चाप करके अच्छी तरह से दबा करके इसमें बांध देंगे। पूरा एयर प्रूफ कर देंगे, इसमें हवा वगैरह नहीं जाना चाहिए,
ऐसा बांधेंगे। इसमें एयर वगैरह नहीं जाना चाहिए इतना, मतलब अच्छे से बांधना है पानी वगैरह, नहीं तो सड़ जाएगा फिर ऊपर से नीचे तक। हमने लपेट दिया है, देखिए इसको अच्छी तरह से लपेटने के बाद पहले लपेट लेते हैं। अरे 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 अरे, इसको लपेट करके और खींच करके बांध रहे हैं। मेरा ग्राफ्टिंग टेप कमज़ोर था, देख सकते हो। इसको बांध करके और 45 दिन के लिए इसको छोड़ देना है यहीं पर, छोड़ करके जैसे। और इसमें ये जो मिट्टी है इसमें पानी डालते रहना है करीब करीब, आपको जब जब पानी सूखे तब तक डालते रहिएगा। और हो सके तो इसमें यूरिया जो होता है नाइट्रोजन जिसमें रहता है वो वाला प्रयोग कर सकते हो, DAP वगैरह। और ये तो मतलब प्लांट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसमें पानी तो छोटा पैकेट है तो पानी डालना पड़ेगा इसमें, और इसमें भी पानी नहीं भी डालेंगे तब पर भी चल जाएगा। इसमें पानी डालना पड़ेगा, इसमें पानी नहीं भी डालेंगे तब पर भी चल जाएगा। और यहाँ पर सेफ्टी पूरा रखना है, ये पूरा कस करके बन चुका है देख सकते हो। और ये मेरा हो गया पूरा, एक ये ब्रांच हो गया। इसमें भी, इसमें तो ग्राफ्टिंग होगा ना, इसको काट करके 45 से 50 दिन बाद, 50 से 60 दिन भी रख सकते हो, 2 महीने भी। और आप इसको 45 दिन भी रख सकते हो, मैक्सिमम 45 दिन तक रखा जाता है। 45 दिन बाद ऑटोमेटिक ये अपना जुड़ करके इससे, ये जो अभी है घिरनी का पौधा हो या चीकू का जो बीजू वाला है उससे ये कंटेक्ट हो जाएगा और फिर ग्राफ्टिंग हो जाएगा। तो चलिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो, तो नेक्स्ट पार्ट इसका बनेगा जिसमें इसको देखा जाएगा, शॉर्ट वीडियो बना कर डाल देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो ग्राफ्टिंग पहले से किया है हमने वो दिखा देंगे आपको। अभी खोल करके इसका पैक टेप जो होता है इसका तो अभी नहीं खोलेंगे, एक अलग प्लांट है हम मेरे पास उसका खोलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, देखिए कैसा लग रहा है ग्राफ्टिंग होने के बाद। ये तो बड़ा पैकेट मेरा था, इसके लिए हम बड़ा पौधा पर भी दिखाएंगे अगर मेरे पास पौधा बड़ा पौधा हो जाता है तो। आगे देख सकते हो अभी भी चीकू फड़ा हुआ है, ग्राफ्टिंग वाला है तो फड़ा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ से एक ब्रांच हमने काट दिया है, एक ब्रांच ये रह जाएगा मेरा प्लांट, वो मार्केट में बिक जाएगा नर्सरी में। और ये तो अपना हो गया है रेडी पूरा, देख सकते हैं एक बार रिव्यू देते हैं अच्छे से। अपना प्लांट रेडी हो गया, चलिए आपको जो पुराना पौधा है वो काट करके आपको दिखा रहे हैं इसका कटिंग। तो दोस्तों देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे अभी चीकू के पौधे हैं, बड़ा वाला भी है छोटा वाला भी अपने पास अभी अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये घिरनी का पौधा था, बीजू फेंक दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग बीजू काटेंगे, बीजू अभी बीजू को का ध्यान रखना है नहीं तो प्लांट खराब हो जाएगा। और इसका हम लोग काट के देखते हैं हो गया होगा सिंपली, तो देख सकते हैं जहाँ मेरा ही हाथ आ रहा है क्या, कहाँ से काटे पता भी नहीं चल रहा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से अपना प्लांट जुड़ चुका है, बहुत ही बढ़िया। इसमें भी आ चुका है अपना घिरने के पौधा में का बीजू, कट नहीं रहा कटा। और इसमें भी वो अपना लगा हुआ है पैकेट, इसको भी काट दिया। इसका सबसे अच्छा प्लांट कहाँ गया अपने, सबसे पहले से इसको काटते हैं। कितना बढ़िया से जुड़ चुका है, बहुत ही बढ़िया से जुड़ चुका है। आप लोग को हम छोटा वाला भी पौधा दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो बड़ा बड़ा पौधा भी है अवेलेबल, जो इतना मतलब 4-4 फुट 5-5 फुट का है। इससे में भी नया नया कली आ रहा है पौधा, इसमें से ही हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। इसका देख सकते हो अभी बहुत पुराना पौधा है अवेलेबल, और चीकू का बहुत सारा प्लांट है उधर भी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यहाँ छोटा ही प्लांट में ये फल फ्रूट आ गए हैं। बाय बाय।